हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी और टेक्नोलॉजी एंड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपने तो मेरे कई सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर मैं आपको बताता हूं कि दुबई में आईफोन 15 के क्या प्राइसेस हैं और साथ ही साथ ही दूसरे एप्पल प्रोडक्ट्स के क्या प्राइसेस होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको चाहिए एक आईफोन 15 लेना है और वो भी सस्ते से सस्ता, तो वो आपको कहाँ से लेना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपको एक सस्ता आईफोन 15 कहां से मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो इस बार दोस्तों, एप्पल ने आईफोन 15 सीरीज 4 मेजर वेरिएंट में लॉन्च किए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है यूएसए वर्जन, दूसरा आता है जापान वर्जन, तीसरा आता है आपका हांगकांग वर्जन और चौथा है जो मेजरली इंटरनेशनल वर्जन है। तो यहां पर इन चारों वर्जन में आपको कुछ ना कुछ प्लस और माइनस देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूएसए वर्जन के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों, जो यूएसए वर्जन आ रहा है उसमें सबसे खास बात है कि आपको यहाँ पर 5G mm वेव का नेटवर्क देखने को मिलता है और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा डुअल eSIM भी। पर जो सबसे बड़ी इसमें ड्रॉबैक देखने को मिलती है वो है यहाँ पर आपको कोई भी फिजिकल सिम का स्लॉट नहीं देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों एप्पल ने शुरू किया था आईफोन 14 सीरीज से और ये अभी भी चलता जा रहा है और शायद आगे फ्यूचर में आने वाले समय में शायद ऐसा हो कि दूसरे सारे मॉडल्स में भी यही आपको देखने को मिले। और अब चलते हैं दोस्तों जापान वर्जन की तरफ। तो जापान वर्जन काफी ज्यादा पॉपुलर है, यहाँ पर आपको मिलता है एक फिजिकल सिम का सपोर्ट और साथ ही साथ आपको ई सिम का सपोर्ट भी। पर यहाँ पर जो अब तक सबसे बड़ी बात थी, यहाँ पर आपको मिलता था एक शटर साउंड, जिसके वजह से आईफोन का जो जापानीज वर्जन था वो काफी सस्ता मिलता था दुबई के मार्केट में। पर iOS 15 के आने के बाद ये सारा कुछ चेंज हो चुका है दोस्तों। अब अगर आप लेते हैं एक जापानीज वर्जन आईफोन, तो वो आप कहीं भी बड़े ही आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज़ करेंगे जापान में, तब आपको इसका शटर साउंड देखने को मिलेगा। पर अगर आप जापानीज आईफोन खरीदते हैं दुबई से और इसको यूज़ करते हैं इंडिया या किसी दूसरे कंट्री में, तो आपको ये शटर साउंड देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो तीसरा मेन वर्जन है, वो है हांगकांग का वर्जन। हांगकांग बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वर्जन है और अभी आईफोन 15 की अगर देखें बात करें, तो यहाँ पर दुबई में जो सबसे पहले इंटरनेशनल वर्जन आया था वो था हांगकांग का वर्जन। और इसमें भी आपको दोस्तों पहले तो एक्टिव वर्जन देखने को मिल रहा था और अभी नॉन एक्टिव वर्जन भी आ चुका है। और काफ़ी सारे रीज़न है कि हांगकांग वर्जन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है डुअल फिजिकल सिम। और जैसे कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है कि दो सिम कार्ड एक साथ चलाना, हर किसी के दो या उससे भी ज़्यादा नंबर होते हैं, तो हांगकांग वर्जन इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो अगर हम लोग दोस्तों हांगकांग वर्जन की बात करें, तो इसका सिर्फ एक ही लिमिटेशन यहाँ पर मुझे नज़र आता है और वो है कि यहाँ पर आपको ई सिम वर्जन देखने को नहीं मिलता। तो अगर आप ई सिम यूज़ करना चाहते हैं तो ये हांगकांग वर्जन में आप यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए, जो अब है चौथा और लास्ट वर्जन, ये है इंटरनेशनल वर्जन। इंटरनेशनल वर्जन जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलता है, इसमें आपका यूएई वर्जन भी आ जाता है। जहां पर यूएई वर्जन की बात करें, तो यूएई वर्जन में देखा जाए तो मेन लिमिटेशन जो है कि इसमें आपको व्हाट्सएप कॉल, फेस टाइम ये नहीं चलता है। और ये सिर्फ कहां नहीं चलता है, अगर आप इसे यूएई में यूज करेंगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये ब्लॉक्ड है। और दोस्तों, अगर आप इन दुबई के आईफोन्स को खरीद कर इंडिया ले जाते हैं और अपने इंडिया के एप्पल आईडी से यूज करते हैं, तो आपको इस तरह के कोई भी लिमिटेशंस देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, ये तो थे चार डिफरेंट आईफोन 15 सीरीज के मॉडल। इसमें कोई भी ज्यादा अच्छा या कोई भी ज्यादा बुरा नहीं है, हर किसी में दोस्तों आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो आप अपने यूसेज के हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपको इनमें से कौन सा लेना चाहिए। और यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा भी दुबई के मार्केट में आपको कई तरह के दूसरे आईफोन भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको यूके का आईफोन देखने को मिलेगा, सिंगापुर का, थाईलैंड का, और भी कई दूसरे कंट्रीज के आईफोन आपको देखने को मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको इंडिया के भी आईफोन देखने को मिल जाते हैं। तो आप अगर दुबई में आते हैं तो आपको हर तरह के आईफोन देखने को मिलेंगे। पर अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों प्राइस के बारे में, कि अगर आपको लेना है आईफोन 15 सीरीज तो आपको कहां से लेना चाहिए। तो अगर आपको लेना है आईफोन 15 या 15 प्लस सीरीज, तो वो आपको इंडिया में बहुत ही कमाल के प्राइस पे मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको यहां पर HDFC का डिस्काउंट भी मिल जाता है 5000 का। तो उससे आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस पे ये इंडिया में देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ आप अगर इसको कंपेयर करें यूएई से, यूएसए या तो फिर हांगकांग से, तो वहां पर आपको प्राइस डिफरेंस ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। तो जहां पर आपको इंडिया में आईफोन 15 74,900 का मिलेगा आफ्टर डिस्काउंट, वहीं यूएई, यूएसए और दूसरे कंट्रीज में ये होंगे इनके प्राइसेस।
और साथ ही साथ iPhone 15 Plus भी अगर आप लेते हैं इंडिया से तो उसका प्राइस हो जाएगा 84,900, जो कि UAE, USA और थाईलैंड या तो फिर हांगकांग से ज़्यादा डिफरेंस नहीं बनाता है। पर बात करें iPhone 15 Pro या 15 Pro Max मॉडल्स की, तो यहाँ पर प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके कई सारे रीजंस है दोस्तों, क्योंकि जो iPhone 15 और 15 Plus है वो मेड इन इंडिया है, और वहीं पर iPhone 15 Pro और Pro Max चाइना से इंपोर्ट होता है। तो यहीं पर हम बात करें कुछ दूसरे कंट्रीज़ की, जैसे कि UAE और हांगकांग, तो यहाँ पर आपको Pro और Pro Max मॉडल्स बहुत ही कम प्राइस में मिलते हैं, क्योंकि इन कंट्रीज़ में कोई भी कस्टम्स ड्यूटी देखने को नहीं मिलती। तो जब भी ये फ़ोन्स इम्पोर्ट होते हैं इन कंट्रीज़ में, तो बहुत ही अच्छे प्राइस पर आपको मिल जाते हैं। पर इंडिया में जो कस्टम्स ड्यूटी है बहुत ही ज़्यादा है, तो इसीलिए आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स मॉडल्स के प्राइसेस इंडिया में बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और अगर बात करें दोस्तों आईफोन 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स की, तो आजकल इंडिया में भी धड़ल्ले से ग्लोबल वर्जन्स आराम से मिल रहे हैं। और ये सब दोस्तों कैसे हो रहा है, इम्पोर्टर्स आईफोन 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स बल्क में मंगवा रहे हैं और फिर वो रिटेलर्स को वहाँ से भेज रहे हैं, और फिर वहाँ से आपको एंड यूज़र तक पहुँच जाता है। तो इनको लेने में कोई बुराई है? तो कोई बुराई नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो यहाँ पर बेच रहे हैं रिटेलर्स, इनके कनेक्शंस कैसे हैं। काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि रिटेलर्स के आईफोन सर्विस सेंटर्स के साथ कोई कनेक्शन होता है, और वो बड़े ही आराम से अगर आपको कोई परेशानी होती भी है तो आपका सर्विस करवा देते हैं। तो आप पूरी तरह से ध्यान रखिए कि आप जब भी अपना आईफोन कहीं से भी खरीद रहे हो, इंडिया से खरीद रहे हो, दुबई से खरीद रहे हो, यूके से खरीद रहे हो, यूएसए से खरीद रहे हो, तो प्रॉपर आप बिल ले ले, क्योंकि एप्पल हमेशा बोलता है कि अगर आपके पास एक ऑथेंटिक प्रूफ ऑफ परचेज है तो आपको इंटरनेशनल वारंटी ज़रूर देगा। अगर आप कहीं पर भी चेक करिए तो आपको ये पूरे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो आप कोई भी एप्पल के सर्विस सेंटर पर लेकर जाते हैं एक ऑथेंटिक प्रूफ के साथ, तो वहाँ पर आपको पूरी तरह से वारंटी मिलेगी, एक साल की इंटरनेशनल वारंटी। तो मेरा आपके लिए सजेशन होगा कि जहाँ से भी आप अपना आईफोन खरीद रहे हैं, एक प्रॉपर प्रूफ ऑफ परचेज ज़रूर लीजिए। काफ़ी टाइम आप दुबई में आते हैं, यहाँ पर आपको बोला जाता है कि आप अगर बिल नहीं लेंगे तो आपको सस्ते में मिल जाएगा। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप जहाँ से भी अपना आईफोन खरीदें, आप एक पक्का बिल ज़रूर लें। शायद थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में आपको फिर मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं iPhone 15 Pro और Pro Max वर्जन के बारे में। तो इंडिया में iPhone 15 Pro आपको मिल जाता है 1,28,900 रुपए का, जो कि दोस्तों UAE, USA और हांगकांग में काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों iPhone 15 Pro Max आपको मिल जाएगा इंडिया में 1,53,900 का, जो कि UAE, USA और हांगकांग में इन प्राइसेस पे मिल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इंडिया के मुकाबले इन कंट्रीज़ में प्राइसेस के डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको अपना आईफोन कहाँ से लेना चाहिए। तो अगर आप देख सकते हैं कि अगर आप यूएई से लेते हैं तो यूएई में आपको बहुत ही कमाल के प्राइसेस में आईफोन मिल जाएंगे, पर अभी एप्पल स्टोर पर आप जाएंगे तो लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है, और आप अगर प्री बुक भी कर लेते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्ते वेट करना पड़ेगा। और यहीं अगर आप दोस्तों यूएसए से लेते हैं तो यूएसए में आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं, 5 ऐसे स्टेट्स हैं, अगर आप यहाँ से लेते हैं तो आपको 0 टैक्स भरना पड़ेगा, पर दूसरे काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर आपको हाई टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप इन 5 स्टेट्स से लेते हैं तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट डील मिलेगी, पर अगर आप दूसरे स्टेट से लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा पे करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लेते हैं इन्हें हांगकांग से, तो हांगकांग में आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट डील तो मिलती है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, मैं आप सभी के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड जाकर हर कंट्री से आईफोन के प्राइसेस के व्लॉग्स बनाता हूं। तो अगर आपने मेरे वो व्लॉग्स नहीं देखे तो यहाँ पर जाके आप उन व्लॉग्स को ज़रूर चेक कर सकते हैं। और आप दोस्तों नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट किस कंट्री से आईफोन का व्लॉग देखना पसंद करेंगे। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि उस कंट्री में जाके आपके लिए एक स्पेशल आईफोन का व्लॉग बनाऊं। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों आईफोन 15 सीरीज़ को लेकर। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अपना आईफोन दुबई से या किसी भी दूसरी कंट्री से ख़रीदते हैं तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी सारी दूसरी भी बातें होती है, जैसे कि आपको एक्टिव स्टॉक मिल रहा है या नॉन एक्टिव स्टॉक। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिव स्टॉक का मतलब क्या होता है कि अगर आप आईफोन ले रहे हैं तो कुछ कंट्रीज से ये, जैसे कि स्पेशली हांगकांग से एक्टिव स्टॉक आ रहा था, तो अगर आप इन एक्टिव आईफोन्स की बात करें तो ये शायद
5 दिन, 6 दिन, 7 दिन या 1 हफ्ते या 10 दिन एक्टिव होता है, यानी कि इसकी वारंटी शुरू हो चुकी होती है, पर ये कम प्राइस पे आपको मिलता है। तो बॉक्स आपको पूरी तरह से सील देखने को मिलेगा, पर इसकी वारंटी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको लेना है एक एक्टिव आईफोन या तो फिर एक नॉन एक्टिव आईफोन। यहाँ पर दोस्तों, एक्टिव हो या नॉन एक्टिव, आईफोन आपको बॉक्स में पूरी तरह से सील मिलेगा। वारंटी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक्टिव में थोड़े दिन की कम मिलेगी, इसके हिसाब से प्राइस भी आपको कम मिलेगा। तो दुबई के मार्केट में आपको दोस्तों कई तरह के आईफोन्स देखने को मिलेंगे। ये पूरा आपके ऊपर डिसीजन है कि आपको किस तरह का आईफोन लेना है। और साथ ही साथ यहाँ पर कई जगह पे आपको आईफोन मिलेंगे, या तो फिर आप जा सकते हैं दुबई में एप्पल स्टोर पर, या तो फिर आप आ सकते हैं मीना बाजार में, जहाँ पर आपको दिन ब दिन प्राइसेस घटते नजर आते हैं। और मैं हमेशा मीना बाजार में जाता हूँ और साथ ही साथ एप्पल स्टोर में भी जाता हूँ, ताकि आपको बता सकूं कि दुबई में आईफोन के लेटेस्ट प्राइसेस कहाँ पर किस तरह से मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, ये तो था मेरा आज का वीडियो, जहां पर मैंने आपको बताया कि आपको आईफोन 15 कहां से लेना चाहिए। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको अपना आईफोन 15 इंडिया से लेना है, दुबई से लेना है, यूएसए से लेना है, या तो फिर आपको लेना है हांगकांग से, या तो फिर आप कोई दूसरी कंट्री से भी ले सकते हैं जहां पर आपको बेस्ट प्राइस पे आपके आईफोन मिल जाए। तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अपना आईफोन कहां से लेना पसंद करेंगे। तो वीडियो दोस्तों अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोज आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नए टेक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।